हेलो। सो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या बोला है, भाग्यश्री सोल्ड गुड्स टू रूपा वर्थ रुपीज 24,000 ऑन द नेक्स्ट डे। रूपा पेड रुपीज 10,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ 4 months बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्रॉन बाय भाग्यश्री। ओके, तो आज डायरेक्टली हम लोग सम स्टार्ट करते हैं और उसके साथ ही समझ के लेते हैं पूरा क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा और हमारे MBs बचेंगे, बराबर। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला था, भाग्यश्री सोल्ड गुड्स टू रूपा वर्थ रुपीज 24,000। मतलब भाग्यश्री ने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है। मतलब भाग्यश्री कौन हो गई, ड्रॉवर। और हम लोगों को किसके बुक में एंट्रीज करनी है, ड्रॉवर के बुक में। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, वो नीचे दिया भी है, देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भाग्यश्री, बराबर। सो ऊपर मैंने हेडिंग लिख दी क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भाग्यश्री, राइट है। ओके, सो भाग्यश्री ने सबसे पहले गुड्स सोल्ड किया था। सो गुड्स सोल्ड किया तो भाग्यश्री के पास से गुड्स गए तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। ऊपर क्या आएगा, किसको सोल्ड किए, रूपा। सो रूपाज अकाउंट डेबिटेड 24,000, राइट। ऑन द नेक्स्ट डे रूपा पेड 10,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ 4 months बिल एंड के पहले तक रुक जाते हैं। रूपा ने क्या किया, 10,000 पेड कर दिया। 10,000 पेड किया किसको, पे किया भाग्यश्री को। सो भाग्यश्री के पास पैसा आया तो डेबिट कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू किसने दिया, रूपा ने। सो रूपा अकाउंट क्रेडिटेड, बैंक पार्ट पेमेंट मेड, बराबर। एंड के बाद देखो क्या बोला था, एंड एक्सेप्ट 4 months बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्रॉन बाय भाग्यश्री। ओके, सो उसके बाद बोला था बिल ड्रॉन करने के लिए 4 months के लिए। सो बिल ड्रॉन हुआ और ड्रॉवी को दिया, ड्रॉवी ने सिग्नेचर किया और रिटर्न ड्रॉवर को दिया, बराबर। जब रिटर्न देता है तब उसको मॉनेटरी वैल्यू आता है, हम लोग ने पहले भी सीखा था। तो उस बेसिस पे जब मॉनेटरी वैल्यू आएगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो मेरे पास बिल जब आ रहे तब मॉनेटरी वैल्यू आई है, आया तो डेबिट करेंगे हम लोग। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रूपाज अकाउंट 14,000, बींग विड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बराबर। यहाँ तक तो ईजी था, नॉर्मल हमारे जो भी है एंट्रीज थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो भाग्यश्री डिस्काउंट बिल एट 10% पर एनम फॉर आफ्टर 1 month विथ हर बैंक। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को, बैंक हम लोगों ने क्या किया है, बिल डिस्काउंट किया है, बराबर। बिल डिस्काउंट किया मतलब क्या किया, बैंक के पास गए, बिल दिया और उसके बदले में कैश लेके आए, पैसे लेके आए, बराबर। सो बिल बैंक को दिया ना, बिल गया मेरे पास से तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड और उसके बदले में पैसे लेके आए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। बट बैंक मेरा सगे वाला नहीं है, सो सगे वाला नहीं है तो उसके बदले में वो क्या करेगा, चार्जेस करेगा और उसे ही हम लोग क्या करते हैं, बिल डिस्काउंट करना। ओके, सो वो डिस्काउंट अमाउंट हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वो है हम लोगों की 10% पर एनम बोला है। चलो देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। टोटल बिल कितने का था, 14,000। ओके, कितना परसेंट बोला था, 10%। ओके, 10/100 इनटू कितने पीरियड के लिए बिल बचा हुआ था। देखो 4 महीने के लिए मैंने बिल बनाया था बट बिल मैंने बैंक में 1 महीने बाद डिस्काउंट किया, इसका मतलब कितने महीने के लिए बिल बनाया है, बचा हुआ है 3 महीने के लिए। सो डिस्काउंट का अमाउंट इधर या मंथ कितना आएगा, 3 months, बराबर। समझ में आया, 4 months के लिए बिल बना था माइनस 1 month आफ्टर, सो 3 months कैलकुलेशन, बराबर 3 month कैलकुलेशन आएगा। सो देखो 3 1 3 3 4 12, 2 0 कट 2 0 कट, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 7 14, 1 0, 7 5 35 और 0 0 350, ये मेरा डिस्काउंट का अमाउंट आया। चलो देखते अभी
सो यहाँ पर ध्यान दो, बैंक अकाउंट हम लोगों ने लिखा था, डिस्काउंट सो ओके, बिल रिसीवेबल जो मेरे पास से बिल गया उस बिल का अमाउंट कितना था, 14,000 का बिल था, मुझे 350 डिस्काउंट करना था, बराबर 350 डिस्काउंट करना था, तो मैं 350 माइनस करके बिल बनाऊंगा, जो भी पैसा आएगा वो लिखूंगा। सो 14,000 में से 350 माइनस किए तो 13,650 आए, बराबर ये वहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो तो बचे हुए 350 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो डेबिट साइड में आ रहा था, इसके लिए डेबिट साइड में लिख दिया 350 और यहाँ पर लिख दिया डिस्काउंट डेबिटेड, बराबर समझ में आया। उसके बाद देखो क्या हुआ था, ऑन ड्यू डेट रुपा डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड ₹200। ओके सो उसी दिन क्या हुआ, रुपा ने क्या किया, बिल डिसऑनर करने बोला, ओके सो बिल डिसऑनर की एंट्री क्या आती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं, और रूपा हमारी ड्रॉवी थी तो रूपा अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बट बिल मेरे पास है क्या, नहीं, बिल किसके पास है, बैंक के पास, इसके लिए मैंने क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट विथ नोटिंग चार्जेस बोला है ना, एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड ₹200 अलग से दिया हुआ है ना, लिख दिया टोटल, बराबर ये जो हम लोग नोटिंग चार्जेस का अलग से एंट्री करते थे इसी के साथ मैंने ऐड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अलग से करनी है तो अलग से भी कर सकते हैं हम लोग, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया है, रुपा पेड हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, ओके नोटिंग चार्जेस, रुपा एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 2 months फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ओके टोटल मेरा कितना था, 14,000 का बिल था, उसका हाफ मतलब 7,000 और 7,000, बराबर तो 7,000 का क्या बनेगा, बिल बनेगा प्लस ₹100 इंटरेस्ट, बराबर ना, ऐसे ही बोला है, रुपा एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 2 months फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और बचे हुए 7,000 पार्ट पेमेंट होगा, बराबर पार्ट पेमेंट के साथ मुझे नोटिंग चार्जेस पेड करनी है ना, बराबर सो 7,200 ये आंसर आएगा, बराबर ये समझ में आया। सो चलो देखते हैं, तो सबसे पहले मुझे नोटिंग चार्जेस चार्ज करना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया इसी के साथ, सेकेंड इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, बराबर इंटरेस्ट चार्ज करूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट में क्यों आता है, क्योंकि नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट इन दोनों के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सो क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम है ना ये, बराबर। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पार्ट पेमेंट, चार एंट्री करनी है ना, थर्ड पार्ट पेमेंट, सो पार्ट पेमेंट हुआ था 7,000 प्लस 200 नोटिंग चार्जेस, पैसा आ रहा है, आया तो डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने दिया, रुपा ने, टू रुपा अकाउंट 7,000 प्लस 200 नोटिंग चार्जेस, सो 7,200 बीइंग पार्ट पेमेंट मेड अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस, बराबर है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद न्यू बिल बनाया हम लोगों ने, बराबर सो न्यू बिल बनाया, वो बिल बना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रूपाज अकाउंट 7,100 क्यों, 7,000 का बिल बनाया था प्लस 100 उसके साथ इंटरेस्ट ऐड करके थे बनाना था, बराबर 7,100 यहाँ पर मैंने लिख के बताया हुआ है, बराबर समझ में आया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। एक बात बतानी रहेगी, इस सब में देखो हम लोगों को न्यू बिल बनाने तक ही बोला था, उसके आगे न्यू बिल पास हुआ, फेल हुआ, डिसऑनर हुआ या हॉनर हुआ कुछ बोला नहीं है, सो हम लोगों को उसके बाद की एंट्री करनी नहीं है। हम लोग ने अब तक जो एंट्रीज की थी वो न्यू बिल बनाने के बाद हॉनर भी किया था, बट इस सब में ऐसा बोला नहीं है, बराबर सो यहाँ तक ही हम लोगों ने ये सब सॉल्व किया है,
न्यू बिल बनाने तक, उसके बाद हॉनर डिसऑनर की एंट्री की नहीं है। ओके सो जितना बोला रहेगा उतना ही कराएंगे, हमारा दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके सो स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।